दर्शकों का और आपके मीडिया चैनल्स का जो हमारे प्रति फेवर था, जो आपने हमारी सपोर्ट की, उसका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट निकला कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस चीज़ को माना है कि डेली वेजरों की कोई गलती नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ है। मैम, यही चीज़ हम बार बार समझाना चाह रहे थे कि हम जबरदस्ती डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आए। डिपार्टमेंट को, सरकार को हमारी ज़रूरत थी, हमने काम किया, सरकार ने हमसे काम लिया, डिपार्टमेंट में हमसे काम करवाया, तभी हमको लगाया। अगर पॉलिसी नहीं बनाई तो वो ब्यूरोक्रेट्स की गलती थी या उन लोगों की गलती थी जो चीफ सेक्रेटरी की चेयर पे बैठे हुए थे या गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। क्योंकि अगर कोई स्कीम लगाते थे तो उसके लिए मैन पावर का प्रोविजन करना उनका काम था, ना कि हमारा काम था। हमें काम लिया हमसे और हमें डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज किया गया एज ए लेबर। कोई पोस्ट के ऊपर हमें नहीं बड़ी पोस्ट कोई दे दी कि आपको ये असिस्टेंट की पोस्ट दे दी, जूनियर असिस्टेंट की दे दी। वो होता अगर वो वाली पोस्ट हमें देते तब इलीगल अपॉइंटमेंट माना जाता था, क्योंकि पोस्ट क्लास भर्ती करने के लिए कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं थी। इसलिए हम बार बार कहते थे कि हमारी बैकडोर एंट्री नहीं है, हमारी इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं है। और हमारे लोगों का बहुत सारा सहयोग रहा, जैसे जितेंद्र सिंह जी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर माना कि ये उन सरकारों की गलती थी कि उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, इन लोगों की गलती नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ है। हम यही चीज़ समझाना चाहते थे और अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अगर ये बात कही है तो इसका कुछ ना कुछ फेवर हमारे फेवर में इसका रिजल्ट आए। अदरवाइज आपने जैसे आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ी है। चार दिन पहले सरकार बनी है, आज कल ही उनके जो सीएम है भगवंत मान जी, उन्होंने 35,000 डेली वेजर लोगों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया है। और मुझे ये समझ नहीं आता, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को लीड कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर एमपी इनके हैं, राष्ट्रपति इनके हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, होम मिनिस्टर इनके हैं, और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर स्टेट को डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री डील कर रही है। और मैम, जब अभी दो दिन पहले जो अमित शाह जी का दौरा हुआ है, हमने बहुत प्रयास किया और इसमें हमें हमारी मदद की है, हम उसको बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। रैना साहब ने काफ़ी कोशिश की हमें अमित शाह तक पहुंचाने की, लेकिन उनका कोई पब्लिकली प्रोग्राम नहीं था जिस वजह से हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन हमने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड जो है रैना साहब के थ्रू अमित शाह जी तक भी पहुँचा दिया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मसलों का जल्द से जल्द हल निकले। अदरवाइज आम आदमी पार्टी बीजेपी के पीछे खड़ी है, इनको अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 50+ पूरा करना है तो डेली वेजर की इग्नोर करके, डेली वेजर के मसलों के हल के बिना ये 50% कभी नहीं जा पाएंगे। और बीजेपी इस चीज़ को बहुत ही बड़ी भांति जानती है कि जम्मू कश्मीर में अगर 2014 में इनको 25 सीटें मिली, उसमें डेली वेजर का एक बहुत बड़ा रोल था।